आज आप सब महाराजा सूरजमल जयंती के उपलक्ष्य में शहीद सम्मान समारोह के कार्यक्रम में उपस्थित हाँ और स्वयं ने गौरवान्वित महसूस कर रहे हाँ कि एक अयाल का राजा महापुरुष जिका माँ भारती ने सनातन परंपरा अक्षुण रखने के लिए आपके तन से मन से धन से सर्वस्व बलिदान करने के लिए आतुर रहा। बाको यहाँ को गौरवमय इतिहास आप दिन भर भी बाकी गाता पढ़ा सुना गवा तो कम पड़े है। एक बार नहीं अनेकों बार अंग्रेजा की लड़ाई में अभेद किले के रूप में राजा सूरजमल जी आपके लोहा गढ़ किले ने राख्यो। एक इतिहास में दर्ज है 13 बार से भी अधिक युद्ध अंग्रेजा के साथ मां को हुयो लेकिन भी किले ने भेद कुन पाया। अहल के महा राजा सूरजमल जयंती के उपलक्ष्य में आज 5 शहीदान आप याद कर रहे हैं जका शहीदा के बनिस्पत और जका शहीदा की वजह से मां सेनक्या के वजह से आज अठापा तिलक निकाल कर अठे समारोह में मां भारती का गुणगान कर रहे हैं भारतीय सनातन संस्कृति का आप गान कर रहे हैं। इक पीछे कोई श्रेय है तो बात सहीदा नहीं है इम कोई अतिशोक्ति को नहीं। मैं बैठे बैठे सोच रहे हो कि आदमी के लिए सबसे मूल्यवान के है सन्यासी से लेकर गृहस्थी तक महिला से लेकर पुरुष तक बालक से लेकर वृद्ध तक सबसे मूल्यवान वस्तु के है। तो मेरे तो यह समझ भाई के सबसे मूल्यवान वस्तु प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्राण ही है वो जीवन ही सबसे मूल्यवान है। धन के लिए खूब भागा हैं आपा लेकिन जब बेरो पड़ने के एक कारण तो मौत है बाहर एक कारण धन के लिए सी जब बोले नहीं नहीं मैं तो जीवन ही जासी भी साले जैसे बटे हुए खातर भी आपा त्याग दा। तो सैनिक जगह है भी मौत ने भी मृत्यु ने भी अथेड़ी में लेकर मां भारती राष्ट्र की रक्षा के लिए वे सीमा पर जावे हैं। तो बांस बड़ो महापुरुष बांस बड़ो कोई संत बांस बड़ो कोई महान योगी कौन हो सके है मेरा समझ लो मौत ने भी हार मिले वे राव राजा संग्राम सिंह युद्ध में लड़ने के लिए जा रहा पत्नी ने बोलिया बोलिया मैं युद्ध में जा रही हूं कोई तेरी निशानी दे। वाह हाड़ी की रानी आपकी नाड़ उतार के साथ पति ने दे दी गले चीर अयान को देश और अयान की राष्ट्र की रक्षा के लिए सहीदा को आप की सम्मान कर सका हाँ आप की गुणगान कर सका हाँ अपा तो सौभाग्य ही और स्वयं के लिए गौरवान्वित महसूस कर सका कि माँ भारती आज भी और इतिहास में भी और भविष्य में भी इयाल का योद्धा जन्म दिया है महाभारती के गर्भ से पैदा होया है। इसलिए बाको खूब खूब सम्मान आज के ये आयोजन में जगह आयोजन करता है बाके मन में यो भाव आयो कि सूरजमल जी जयंती के ऊपर आप शहीदा को सम्मान करा इनके लिए मैं खूब खूब धन्यवाद दू हूँ। और जगह विकेश जी को ले रही और कमल जी आया कि महाराज यहाँ तो कार्यक्रम है शिवरात्रि को मेलो 18 फरवरी को आप सब जानो बुधगिरी मंडी पर बहुत बड़े रूप में लागे व्यस्तता ही के बावजूद भी मैं स्वयं को गौरव समझियो गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ यहाँ को उपस्थित कार्यक्रम आकर। प्रेम सिंह जी एक बेनाम ही राजनेता होकर भी सेवा के कार्य के मायने आपको बहुत उच्च कोटि में नाम लिखो जा रहे है और विशेष करके शहीदा की जगह आप गुणगान की बात करें आप ही के लिए आपके द्वारा चाहे सरकारी स्तर पर हो चाहे व्यक्तिगत स्तर पर हो जो कार्य हुए है सिखावटी नहीं राजस्थान में नहीं पूरे भारत में और खूब खूब अभिवादन। और विशेषकर दिगेंद्र जी थारकन तो बैठ कर कोई 2-4 घंटा वह 40-50 दुश्मन थे हमारे पास कहानी सुनने को बहुत मन है यहाँ लागे कि तेवा कहानी बता चल माने भी यहाँ लाग सी हाँ मैं भी बैठे तो ये आगे आगे जीवन की से बड़ी ये मतलब आने प्राप्त हो सके सा यहाँ का दुश्मन। अच्छा एक बात और बता कर आज की माने विराम देसिया ऐ जब युद्ध कर रहा हाँ जब आ को ने देखियो के साम लो जो को दुश्मन है जो को कौन से देश को है और कौन सी जाति को है और कौन से धर्म को है आ को ने देखियो ऐ तो एक ही दृष्टि राखी कि मां भारती को दुश्मन है जाति पंथ संप्रदाय देश नाना भारती को नहीं। अरे आपा देश के लिए तो कुल लड़ सका वो आपा ने सौभाग्य प्राप्त को नहीं हो सीमा पर जाकर लेकिन आपा आज महाराजा सूरजमल जयंती पर कम से कम आज तो सोचा कि आपा
राजा महाराजा ने भी, महापुरुषा ने भी, देवतावा ने भी, नेतावा ने भी, तमाम सब लोग ने अपा जातियां में क्यों बांध दिया, अपा जातियां में क्यों बांध गा। कटन कटे या संकीर्णता ही है कि आज अगर कोई जाति को नेता तो या कोई जातीय सम्मेलन हो तो पूरा नोलगढ़ उमड़ तो। अरे यहाँ की भावना अपने शहीदा के प्रति क्यों को नहीं भाई? शहीद तो कौन सोचे ना कि मैंने जाटा नहीं बचाना है, कि मैंने राजपूता नहीं बचाना है, कि मैंने माड़ी खाती नाई वह नहीं बचाना है। तो कौन सोचे ने? आप क्यों सोच रहे हैं? मां बहन थी कि मैं संतान हूं, मेरी जाति, मेरे धर्म, मेरे पंथ, मेरे संप्रदाय, मेरे जिलो, मेरे प्रदेश, मेरे देश, कोई भाव नहीं रहना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि आजादी के 75 वर्ष बाद में भी बात जो एक टुकड़ा होने की मां भारती की स्थिति आई ही अयल की भेद के कारण ही, तू तेरो और मैं मेरो, तू ही जाति को, तू ही देश को, ही कारण ही। आपा बोला है ना, कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक रहे, नहीं कंधार से कन्याकुमारी तक एक भारत एक हो। लेकिन आपा जातियां में बटिया डाल रहा तो देश का टुकड़ा हो यार। यही अगर बटिया रहेगा तो ये दिगेंद्र सिंह जी जिया का किताक सैनिक है जगह इस चीज ने बचावेगा। देश के दुश्मन नहीं है बचा सके, लेकिन देश के मायने असंकीर्णता है, तथाकथित जातिवादी का लोग दुश्मन विचार करके बैठे हैं, आने कुण बचाओगे? आने कुण बचाओगे? लिया पर प्रत्येक ने संतान भी प्रबुद्ध जो नागरिक है, समाज का विशेष लोग है, पर सबना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और मन लागे कि वर्तमान में इससे बड़ी पर कोई समस्या लागी को नहीं थी इस देश के मायने, तमाम समस्या है। लेकिन सबसे प्रमुख समस्या की बात करा तो आज जातिवादी को जहर जो है वो खतरनाक है। जातिवादी जहर के कारण देश को कौन शासक सुंदर होना चाहे जो देश की दिशा न बदल सके, बिना पान छोड़कर चोर लुटेरा आतंकवादियां निष्ठी शटरा ने भी अपना देश का शासक बना दिया, राजा महाराजा बना दिया, इसलिए कि जातिवादी को जहर है। ये जातिवादी के जहर के कारण ही समाज को कौन प्रमुख ऊंचाई में तो कुछ सनातन को भी कौन प्रमुख ऊंचाई जगह भेद नहीं भी अपा खो दिया। हाँ जहर से मकड़ जाल से बाहर निकलने की आवश्यकता है। सूरजमल जयंती के अवसर पर, शहीद सम्मान समारोह के विशेष अवसर पर वो एक जो कीड़ो है भयंकर, और मैं बोलू कई बार यहाँ के सामाजिक जीवन में रहा, तमाम सब लोग से मिलो, कई व्यक्तियां के तो साफ अब आगे बात नहीं जानी चाहिए, लेकिन निकल रही है, निकलती निकलती जा रही है, शहद से टपके ने वही को जहर जातिवादी को लोग के मन में टपक तो रहे। क्यों भाई मां जकी जाति को भी कोई व्यक्ति मिलता है मेरी छाती चार गुण चोड़ी हो जाए, और दूसरी जाति को मिलता है मेरी बात ही कर रहे रे पूर्ण से मतलब हो मां जने जन्म दियो हो जदा पा जाति साके थोड़ी लिख रहा है, समझने की आवश्यकता है। अधिक नहीं बोल लूं, तमाम सब लोग ने पुनः पुनः समान और आज के आयोजन करता जगह सोसाइटी है भी सोसाइटी को खूब खूब आदर सम्मान।